स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम जिस चीज़ पर रिएक्ट करने वाले हैं वो कोई वीडियो नहीं है, वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। मुझे पॉलिसी बहुत पसंद आई, काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या पॉलिसी है और क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अच्छी और इंटरेस्टिंग बात दोनों है। यानी अब इसमें जो नया सिस्टम जो है वो 5+3+3+4 सिस्टम को गवर्नमेंट शुरू करने वाली है। ये 5+3+3+4 क्या है? ये है जो हमारे साल होते हैं ना, 12वीं तक की क्लास के जो साल होते हैं उन सालों को डिवाइड कर दिया गया। तो पहला है 5। तो पहले 5 साल में क्या होगा, पहले 5 साल में जो पहले के 3 साल है उसमें आपको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, और बाकी के जो 2 साल है उसमें आपको पहली और दूसरी क्लास जो है वो पढ़ाई जाएगी। और जो पहले के 5 साल हो गए पूरे, और पहले के 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। और अगला क्या था, 3। तो सेकेंड क्लास के बाद 3 साल, यानी तीसरी चौथी और 5वीं क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर है 5+3+3 था, ठीक है। तो अगली 3 क्लास जिसमें है कि 6वीं 7वीं 8वीं, और जो उसके बाद के 4 साल यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया था, उसके बाद के 3 सालों को फिर प्रीपेटोरी स्टेज कहा गया है, उसके बाद के 3 सालों को मिडिल स्टेज, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। ओके, ये था डिवीजन पूरा। तो जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें नाम से मालूम पड़ता है कि बच्चों की फाउंडेशन पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी बेस का स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, सेकेंड क्लास तक यानी पहले 5 सालों में कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं, बच्चों को सिर्फ खेल कूद के ज़रिए और भी कई तरह के एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम का सिस्टम जो है वो तीसरी क्लास से शुरू होता है, थर्ड क्लास, बिल्कुल सही सुना आपने, तीसरी क्लास के बच्चों से लेकर 12वीं तक की क्लास के बच्चों के ही एग्ज़ाम होंगे, तीसरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होंगे। एक ये बड़ा चेंज है। और दूसरा बड़ा चेंज है कि जो अब तक जो 10वीं के बाद हमें स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी साइंस में, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, अब वो स्ट्रीम वाला थोड़ा चक्कर ही ख़त्म हो गया। अब तक क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 10वीं पास करता है, 10वीं में उसको मालूम पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री और बायो में नहीं है, फिज़िक्स में उसका इंटरेस्ट है, और उसका इंटरेस्ट आता है इकोनॉमिक्स में। पर अभी 10+2 के सिस्टम में क्या है कि आप इकोनॉमिक्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर है सब्जेक्ट, और फिज़िक्स जो है वो साइंस स्ट्रीम के अंडर एक सब्जेक्ट है, वो दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते अभी आप, ठीक है। आपको या साइंस चूज़ करनी पड़ेगी या कॉमर्स चूज़ करनी पड़ेगी। पर इस नए सिस्टम में जो आया 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है उसमें आप फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ सकते हैं, मतलब आपका जो मन में आया वो पढ़िए, ठीक है। कोई भी बंदिश नहीं है कि आप साइंस में गए हो तो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ो, अब आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और ऐसा सिर्फ स्कूल में नहीं होगा, कॉलेज में भी होगा। आप किसी IIT में कोई BTech का बच्चा है, अगर वो चाहे तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ सकता है। इस सारे के सारे फंडे में एक ही कंसेप्ट है गवर्नमेंट का जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि बच्चों को वो पढ़ना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेगा, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छे से गेन नॉलेज को जो है वो गेन करेगा। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें थोपी जाती हैं, जैसे होता है कुछ बच्चों को भाई कि किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है दूसरे में नहीं आता, ठीक है। पर फिर भी अभी जो स्ट्रीम वाला जो सिस्टम है कि जैसे वो साइंस में है, अब साइंस में कुछ बच्चों को जो है मैथ से चिड़चिड़ा है, ठीक है, मैथ नहीं है पर फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसको बायो में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर क्या होगा, तो अगर अब वो साइंस चूज़ करेगा तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, पर वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता हो, ठीक है, और अभी के सिस्टम में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो
अब बच्चों को ये चॉइस मिलेगी कि वो जो मन में आए वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक ये सिस्टम है, और ये वाला जो रूल है ये स्कूल में भी चलेगा और कॉलेज में भी चलेगा। अब उसके बाद जो एक नया चीज़ जो उन्होंने शुरू करी है वो ये है कि एग्जिट सिस्टम भी शुरू कर दिया है। अब एग्जिट सिस्टम क्या है? अब जैसे कि कोई भी आप छोटी मतलब आम कोई ग्रेजुएशन ले लो, जैसे कि BSc है, बैचलर ऑफ साइंस, वो 3 साल की होती है। अब पहले साल में सपोज करो किसी बच्चे ने किसी फैमिली प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिया, तो अभी तक क्या होता है कि भाई आपने 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं करी, 1 साल में ही छोड़ दिया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो 1 साल आपका ख़राब। पर आपके सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, अगर आपने 1 साल भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो भी आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्या है सिस्टम पूरा, जैसे कि 3 साल की BSc है, ठीक है, अभी तो BSc है, पर इस नए एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो सभी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल के करने वाली है। पर डरिए मत, अब ऐसा बोलना शुरू मत कर देना अभी कि भाई 3 साल की ग्रेजुएशन थी अब 4 साल की कर दी, सब जो है पैसे बनाने का गवर्नमेंट की स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप 3 साल में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब ये सारा चीज़ क्या है वो अब हम समझते हैं। अब क्या है कि अगर आपने पहले साल जो है आपने ग्रेजुएशन का लगाया, पढ़ा और फिर छोड़ दिया किसी कारणवश, तो होगा क्या कि गवर्नमेंट आपको उस पहले साल में जो भी आपको पढ़ा है उसका एक सर्टिफिकेट दे देगी, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने 2 साल के बाद छोड़ दिया तब आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर आपने 3 साल के बाद छोड़ दिया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है तो चौथा साल क्या है? चौथा साल जो आखिरी साल है वो है रिसर्च के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 1 साल रिसर्च में भी कर ली तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको फिर मार्केट में जाओगे तो वो कहेंगे हाँ इसने रिसर्च करी है, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब तक हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से क्या शिकायत थी कि भाई इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है इंडिया में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। तो ये आखिरी का जो चौथा साल है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, ठीक है। और कोई और आप जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल करने के बाद भी आपको डिग्री तो मिल जाएगी, 14 साल रिसर्च के लिए है, तो वो आप पे, आप करना चाहो तो करो वरना मत करो, पर अगर रिसर्च का भी 1 साल लगा लोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा आपकी जॉब मिलने में। तो ये है सारा। और इसमें एक और है, अब तक क्या है कि PhD के लिए क्या प्रोसीजर था, आपको पहले बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आएगा आपका MPhil, फिर जाके आएगा आपका, फिर जाके आप जो है PhD करते हो। पर अभी नए नए सिस्टम में क्या होगा, 4 साल तो आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, उस 4 साल में चौथे साल में आपने क्या कर लिया, रिसर्च, उसके बाद मास्टर्स, आप उसके बाद सीधा PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया गया है, ठीक है, कम से कम ऑन पेपर तो है अभी, ठीक है। ओके, तो एक तो ये है। अब एक और जो है बड़ा चेंज कर दिया, जैसे इंडिया में बड़े सारे रेगुलेटरी जो है बॉडीज हैं, जैसे कि UGC है, और ले लेते एग्जांपल AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इतने सारी जो रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं जो उनको अब हटा दिया जाएगा और एक ही रेगुलेटरी बॉडीज़ को अब जो है रेगुलेटरी बॉडी को अब बनाया जाएगा, वो है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यही इकलौती बॉडी सारे एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करेगी, ठीक है, बाकी सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। और हाँ, पर इसका काम सिर्फ रेगुलेट करना है। आप पर जो सिलेबस है, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है, आपने कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई वो डिग्री करी है, तो उसका सिलेबस जो है उसका सिलेबस डिसाइड करने के लिए जो अभी जो इंस्ट जो अभी जो रिसर्च सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये सिलेबस बनाएगी कि
कि बच्चों को क्या पढ़ा जाएगा, और यही सिलेबस पूरे इंडिया में लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई बिहार में कुछ पढ़ा रहे हैं और पंजाब में कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जो पंजाब में जो पढ़ाया जाएगा वही बिहार में भी पढ़ा जाएगा। अब तक ना, अभी तक एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि पंजाब में जो सिलेबस है और बिहार में जो सिलेबस है उसमें फ़र्क होता है। इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया जाएगा, हर जगह सेम चीज़ ही पढ़ाई जाएगी। और हाँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक जैसा सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब तक क्या है कि प्राइवेट में थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया करते हैं और गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम, पर अब कुछ नहीं होगा, हर जगह एक ही चीज़ फॉलो की जाएगी, हर स्टेट में की जाएगी, पूरे इंडिया में की जाएगी। तो रेगुलेटरी बॉडी HECE HECI ही रहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो सिलेबस है वो जो अभी भी जो मतलब जो इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैंने बताया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो सिलेबस डिसाइड करेगी। और पूरे इंडिया में एग्रीकल्चरल रिलेटेड डिग्रीज के लिए वही सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा। तो ये था सारा। अब उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने एक और एक तरह का ना बैंक शुरू किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें आपको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी लोन के लिए आप जाते हो, ठीक है, तो आपको आपका सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर जो है चेक किया जाता है। अगर वो अच्छा हुआ तभी आपको वो लोन जो है मिलता है। और वो जो है आपको कैसे मिलता है, आपने जो भी पुराने लोन ले रखे हैं, कैसे उसकी इंस्टॉलमेंट दी है, ठीक है, टाइम पे दी है कि नहीं दी है, उसके हिसाब से वो आपको स्कोर मिलता है। बिल्कुल वैसा ही होगा, आपने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, मार्क्स आए हैं, जैसे भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपको स्कोर दिया जाएगा। और ये स्कोर आगे जाके आपको काम आएगा जॉब लेने में। आपका अच्छा का क्रेडिट स्कोर होगा तो भाई कंपनी देखेंगे यहाँ उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, ये पूरा है सिस्टम है। ठीक है, अब अगला है, अब इंडिया में जो है फॉरेन वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी अब इंडिया में आ सकती हैं, अब से पहले नहीं आ सकती थी। ठीक है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस नहीं खोल सकती थी। हाँ, वो किसी इंडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन जरूर कर सकती थी, पर पूरी तरह से अपना कैंपस नहीं खोल सकती थी, अब खोल सकती हैं। अब देखना, शायद कुछ सालों में ऑक्सफर्ड भी इंडिया में खुल जाए, हो सकता है। और अब ना एक और नई चीज़ शुरू करी है, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिसर्च करें, ठीक है, रिसर्च बढ़े। इसलिए ग्रेजुएशन के चौथे साल में एक रिसर्च का प्रोविज़न जो है वो रखा हुआ है। अब इसके लिए फ़ंड भी बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं रिसर्च में, उनको फ़ंड प्रोवाइड करेगी। एक और एक जो है बॉडी जो है वो बनाई जाएगी, NEFT, नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम। ये आइडिया एक्सचेंज फोरम होगा, इसमें कोई भी ना गवर्नमेंट को सुझाव दे सकता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें और क्या अच्छा करना चाहिए। और जो भी आपने देखा है कि कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन को भी ये जो है प्रमोट करने का काम करेगी, NEFT, नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम। और यहाँ से लोग अपने सुझाव भी दे पाएंगे कि क्या क्या अच्छा करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी है वो कैसा लगी, और आपको और किस चीज़ पे मेरा एक्शन चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो मुझे ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, पर आप जानते हैं हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम को, और ये नया एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही मॉडर्न है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में 1-2 साल तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप गवर्नमेंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। अब चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।